ये सत्य ओम सिद्धाय सत्यम नमः। दाय नमः। आज चैत्र मास की प्रेम पूर्णिमा है, 26 अप्रैल है। परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में हम यहाँ सभी लोग, जो भी गृहस्थी हैं या जो बैचलर हैं, हमारे गुरु भाई सभी यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, जिससे जो समाज में एक अच्छा संदेश जाए और जो पति पत्नी है आपस में प्रेम भाव बढ़े और जो भी पारिवारिक संकट हैं या एक दूसरे के मतभेद हैं वो दूर हों, और जो हमारे बच्चे बैठे हुए हैं, सब जो बैचलर बैठे हुए हैं, इनके आगे को शिक्षा अच्छी हो, इनकी उन्नति हो, भविष्य में जीवन साथी अच्छा मिले और जो भी इनकी मनोकामनाएं पूर्ण हों, और सभी जो लोग यहाँ आ नहीं सके हैं अपने घर पर यज्ञ का आयोजन करें और सत्योम सिद्धाय नमः ईम फट के साथ यज्ञ करें, जिससे सभी का कल्याण हो और सामाजिक जो बुराई दूर हो, सभी स्वस्थ रहें और सभी की कामनाएं पूर्ण हों। आज प्रेम पूर्ण व्रत है। ये व्रत जो पति पत्नी आपस में मनाते हैं, जो पति हैं व्रत रखते हैं, जिस तरह जो महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती हैं अपने पति की उन्नति, समृद्धि और उनके स्वास्थ्य के लिए, उसी तरह जो पुरुष अपनी पत्नी के लिए उनकी समृद्धि, स्वास्थ्य और उनके जो कष्ट दूर हों, परिवार में प्रेम भाव बढ़े और जो पारिवारिक सबकी उन्नति हो, उसके लिए व्रत मनाया जाता है। और जो हमारे बैचलर हैं ये सब इस तरह मनाते हैं, जिनके आगे उनकी तरक्की हो, शिक्षा में उन्नति हो, उनके जो व्यवसाय हैं या उनकी जो नौकरी है या उनके जीवन साथी है उन्हें अच्छा मिले और भविष्य में उनका जीवन उज्ज्वल रहे। आज मैंने भी अपनी पत्नी के लिए व्रत रखा हुआ है, बराड़मठी, और हमारे भाई साहब हैं श्री शिव कुमार जी, उन्होंने अपनी पत्नी के लिए व्रत रखा हुआ है और काफ़ी लोगों ने रखा है जो यहाँ आ नहीं सके हैं, वो सब घर पर इसका आयोजन कर रहे हैं। ये जो खीर है या जो सेब का जो फल है, इसका जो भोग लगाते हैं, यही हम प्रेम पूर्ण माता को अर्पण करते हैं और उसी का जो यज्ञ भगवान का भोग लगाएंगे। चलो सभी लोग यज्ञ प्रारंभ करें। सत्य ओम सिद्धाय नमः ईं फट स्वाहा। सत्य ओम सिद्धाय नमः ईं फट स्वाहा। सत्य ओम सिद्धाय नमः ईं फट स्वाहा। सभी लोग यज्ञ आरम्भ करें। सत्य ओम सिद्धाय नमः ईं फट स्वाहा। 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 सत्य ओम सिद्धाय नमः ईं फट स्वाहा।
हम यज्ञ को पूर्ण करते हैं और सभी लोग जो यहाँ आना पाए हैं अपने घर पर यज्ञ का आयोजन करें और अपने परिवार के लिए और अपने मित्रगण जो भी हैं उनके लिए सबके लिए जो है शुभकामनाएं दें और दूसरे जो है उनकी सुख समृद्धि की कामना करें। जो भी किसी की परेशानी है या कोई भी संकट है या कोई भी किसी तरह की दिक्कत है उस यज्ञ करने से दूर होगी। और गुरु जी का स्मरण करते रहें, सत्यम सिद्धाय नमः का जाप करें। जय सत्यम सिद्धाय।